देश में कोरोना काल, ऐसे में अगर बात की जाए तो मेवात जिले में स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुनाना उपमंडल की ग्राम पंचायत खेडला में हम पहुंचे, यहां पर आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं कि यहां जो आबादी में किस तरीके से कूड़ा करकट जो खुले में डाल रखा है, जिस पर जो है आस पड़ोसियों को काफ़ी जो है नुकसान इसका उठाना पड़ रहा है और हर समय बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ये बताएंगे आखिरकार कब से यहाँ पर जो कूड़ा करकट डाला जा रहा है। यहाँ जनाब बहुत ज़्यादा गंदगी है, बच्चों को बुखार नहीं उतर रहा, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, यहाँ मरा हुआ ढोर पटक देते हैं, बहुत सड़क दाब रखी है। यहाँ आकर देखा जाए मौका पर तो बहुत बुरी गंदगी है, यहाँ हमारी बसारत है, बार बार साफ करवा लेते हैं फिर नहीं मानते लोग बाग, यहाँ कूड़ा पटकते हैं, हर चीज़ गंदगी को पटकते हैं। तो ये कब से है ये परेशानी? ये 15 साल हो गए, इसको मानते नहीं लोग बात। मैं आपको बताऊं कि लगातार 15 सालों से ये समस्या ग्रामीणों की जो बनी हुई है, जो आस पड़ोस के घर वाले हैं पूर्ण तरीके से दुर्गम से परेशान हैं। हालांकि अगर कूड़ा डालने वाले कहीं बाहर के नहीं होंगे बल्कि इसी गांव के होंगे, जो इस तरीके से इकट्ठा जो है कूड़ा डाल रहे हैं। भारत स्वच्छ मिशन अभियान की धज्जियां उड़ाने के साथ साथ यहाँ सरकार भारत स्वच्छ मिशन की मिशन अभियान की लगातार जो कोशिशें कर रही है उसे सिरे चढ़ाने में, लेकिन ऐसे में आज कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में ये इस संकट से जो है जो खेडला ग्राम पंचायत ग्रामीण मजबूर हैं और कई बार जो प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं लेकिन उनकी बात को कहीं नहीं सुना जाता। ऐसा भी सुनने में आया कई बार मीडिया द्वारा इस मामले को प्रमुखता से उठाया भी गया है, लेकिन आज तक जो है प्रशासन स्थानीय प्रशासन काम तक जू नहीं रहेगी। हालांकि कुछ युवा है हमारे साथ, वो बताएंगे। वकील, कब से परेशानी बनी हुई है? 10-15 साल हो गई जी सर। तो कभी आपने इसकी समस्या ये समस्या कई बार कर दी जी, कोई कार्रवाई ना हो? क्या चाहते हो आप लोग? ये साफ हो जाए जी, यहाँ गंदगी ना डाले दोबारा। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो खेड़ा पुनहाना के जो लोग हैं उनका कहना है कि गंदगी को यहाँ से प्रशासन और सरपंच द्वारा तुरंत प्रभाव से साफ किया कराया जाए। सरपंच से इस बारे में बात हुई? सरपंच से हुई है बात, सरपंच की भी ना माने जी, कोई भी नहीं माने, कोई ना माने जी, यहाँ गंदगी बिल्कुल खत्म हो जावे और इस पर 4 दीवारी हो जावे, बस इतना ही कहना चाहते हैं। अब देखने ये होगा आखिरकार खेडला ग्राम पंचायत का सरपंच कब तक इस पर कोई ठोस एक्शन रहता है, कब तक स्थानीय प्रशासन जो पुनहाना उपमंडल अधिकारी कब तक कुमकर्णी नींद से जागते हैं, कब तक जो है खेडला पुनहाना के ग्रामीणों की समस्या से निजात मिलती है।